वेलकम टू HVSC ज्ञान। HVSC में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक लिए हैं, स्क्वायर डक्ट का स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर कैसा निकालते हैं। ये जो देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर डक्ट का फार्मूला है, जो एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, W मीन्स विड्थ प्लस H मीन्स हाइट इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू L, जो है इसका फार्मूला है रेक्टेंगुलर डक्ट का मेजरमेंट स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में निकालने के लिए। ये जो आप लोग इंटरफेस देख रहे हैं वो एक स्क्वायर डक्ट या रेक्टेंगुलर डक्ट हम लोग बोल सकते हैं, उसका एक इंटरफेस है जो इस तरह से दिखता है, जिसका फार्मूला अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से निकालते हैं। इसका दो साइज होता है, एक विड्थ और एक हाइट। जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो 450 mm और 450 mm, दोनों साइड का विड्थ और हाइट दोनों 450x450 का है। और इसका लेंथ जो है वो 1200 mm है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला पे पुट करके स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला है वो W प्लस एच इंटू 2 इंटू एल है। ए मीन्स एरिया, W मीन्स वेट और H मीन्स हाइट है और L मीन्स लेंथ है। जो इसका विड्थ हम लोग लिए हैं वो 450, जो हाइट है वो 450 है, दोनों साइड कंसीडर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 है इंटू लेंथ जो है वो 1200 है। उसको अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 450 प्लस 450 900 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1200 1200। ये सब को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दिख रहा है आप लोग को 216000 वो स्क्वायर एमएम में आ गया है। अगर स्क्वायर मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 लाख से डिवाइड करना पड़ता है जो भी वैल्यू रहेगा, उसके बाद जो भी क्वांटिटी आएगा 2.16 स्क्वायर मीटर, वो रेक्टेंगुलर डक्ट का स्क्वायर मीटर निकल गया। इस तरह से हम लोग स्क्वायर फिट या स्क्वायर मीटर निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर फिट निकालना है तो फिर जो भी वैल्यू है 2.16 उसको फिर मल्टीप्लाई बाई 10.76 किया जाता है, अगर स्क्वायर फिट आपको चाहिए तो।